जोर से पूरी ताकत लगा और जोर से और जोर से पूरी ताकत झगड़ो उसको अंदर से झगड़ो उसको नहीं छोड़ दे झगड़ो उसको नहीं होता रे छोड़ अब मेरे से नहीं होता है नहीं होता है झगड़ो उसको और तेजी के साथ कौन मारा उसके बहन को कौन मारा तू मारा कई को तेरे साथी ने मारा कई को इसको भी मार दे रहा नहीं बोलता अच्छा उसकी बहन को मार रहा दूसरी को भी नहीं बोलना अच्छा लगा ले बोले पूरा तेरा एटीट्यूड बता कितना है तो अब भी बता दो तुझे झगड़ो उसको साथ में झगड़ो उसके अंदर से मार रहा देखा कितनी ताकत है ताकत हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों से कैसा काम लेता अल्लाह आज भी देखा झगड़ो उसको और तेज से जोर से बोल ताकत जोर से बोल नहीं नहीं है हाँ चल बता मेरे सवाल के जवाब दे चीर दूंगा तुम्हें ताकत नहीं जोर से बोल यहाँ सबकी ताकत खत्म कर देते हैं देखा ना यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है कलाम इलाही सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के कलाम की करके यहाँ लाए क्या कर रहा था तुमको आने नहीं दे रहा था इधर के रास्ते में रुकावट डाल रहा था घरों में देख कहीं कू बोल जल्दी देख कहीं कू अरे भरपूरी ताकत लगा कम जोर से मार डालता इसकी भाग कुमार मार डाला तू देख इसको भी मार डालता देख इबाली उसको मार डालता उसका खून पूरा चूसता हूँ देख इसके घर में तेरे दाता तो मैं भी इसको तो देख कुछ भी नहीं देख और देख। और किसको मारने लगा वो बहन के बाद दूसरा नंबर किसका है किरपाना रे दूसरा नंबर देख और तीसरा नंबर किसका सलीम सुल्ताना चौथा नंबर जाके पांचवा हमारी हमारी तड़प के मरना इन तो तड़प के मरना है ताबिर देख इन्हीं पर आता सुप्राता देख इन्हीं चुचा रे चाहे दा चाहे दा बंगाली के ले गई क्यों गई थी क्या दुश्मनी थी देख पानो पानो देख कितने जमीन जा रहे हैं साथ में और मेरी ताकत चली छोड़ रहे देखा अम्मा देखनी भूल दे
देखा आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलादों में से कई ताकत दिया अल्लाह ने। घराने का पावर है ये अल्लाह के नबी के। छोड़ दे तो होगा ना, अभी क्या बोल 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 सुन। उन्होंने जादू करी सो ये लोगों का क्या लेके दी करने के वास्ते। मेरे को नहीं याद आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं ये छोड़ बो, देखने ताकत बहुत है, अल्लाह, सुने, मेरे हाथ तक क्या चला, अब हमने हाथ तक, चल, चल, इसके बाप को भी कहने, देख, इसके बाप भी मैं, देख, उसको कब मारने वाले, इसको, बाप को इसके बाप मर के बहुत साल हो रहा। अरे मार दिए। ऐसा मारे मारी दाल की कैसा याद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। छोड़ जा रहा बाप छोड़ कुछ भी नहीं आ रहा इंसान की नस्ल से के जिन्ना की नस्ल है की नस्ल है अच्छा क्या जकड़ लो मेरी ताकत के लिए छोड़ते बहुत है जोर, जोर, इसके घर का काम भी नहीं होने दिया मैं। क्या है क्या है दिया मैं नहीं होने दिया अलग कोशिश करे पर नहीं होने दिया देख तो अब भी नहीं होता है जितना देख कहीं तू कर नहीं है नहीं नहीं मालूम मैं चाहता भेजे तो आया भेजे तो आया कौन कौन ने मिल के भेजे थे वो मेरे को याद नहीं बता और उसके साथ कौन मिला और रानी इसके मत करी रिवा लंगी को मार करी काम पूरा जला दी लड़ाई ओ ये मार दी सब उसके अपना बच्चों को उसको बाहर निकल जाना भी करे दुश्मनी थी वो इसी इसकी दी ही था कहीं की मालूम कहते की देन देन की क्या ये की जमींदार की नहीं बोलना ऐसा बोलिए चल और छोड़ इतने में इतने ताकत नहीं छोड़ छोड़ मैं कुछ भी आते हैं छोड़ छोड़ मैं नहीं था सर बस देखा तेरे बादशाह के ऊपर बादशाह मैं कभी जल रहा पूरा जल रहा पूरा पूरा जल रहा मैं दे देता सब दे देता पूरा जला दूं जोर से बोल मुझे सुने आना आवाज लगा के बोल चीख मार के नहीं फिर नहीं बोलते नहीं छोड़ने का हुक्म देते जला दे रहो पूरा जला देंगे उसको जला अच्छा खिलाए वाला भी सो क्या दिला रे मेरे को नहीं दिला क्या है रे तू ऐसा हल्का समझ के आ गया था तू समझा तू बोले तू औरत है तू हमारे आगे नहीं होता नहीं जिन्ना है नहीं हां मैं बोला ये बोल ना वो बात हां फिर जब झगड़ो उसको दे दे रो रो ओ बेटा हां कौन है तू जिन्नात की नस्ल है हां
मैं बोलता हूँ मैं अपना याद आ रहा तो मैं क्या बोल मरा वाला इंसान है मैं याद आ भेज दे भाई हाँ जोर से बोल अबे नहीं रे नहीं नहीं छोड़ दे नहीं छोड़ दे नहीं छोड़ रहे हम छोड़ नहीं कर ये पकड़ है इसको बोलते रियल बंदिश अल्लाह वालों की बंदिश है इसमें बच के बता जरा बहुत लोगों को चकमे दिया तूने छोटे मोटे निम्बो काटने वालों को कोई नहीं बच सकते आए तो बच के बता तो नहीं बच सकते मैं भी मरूंगा नहीं नहीं करा जो करे कुत्ते तू दे सारा दे दे कुत्ते है तू दे मैं कई तरह से मैं भेज रहा उसने मारने लगा पर दे तू उसको दे मैं कुछ ना बहुत आता मैं ते इसी ने कल बात कर लिया प्रफर्दा तबाला आराज भाई देख भाई लड़के को मार रहा था तू क्या नाम है हाँ हाँ शादी हुसैन को कब मारने वाला था रब्बे लाल हाँ रब्बे लाल रब्बे लास्ट इसको भी तड़पाना निकाल के ले लेता हूँ चिराग में उतार पकड़ के अरे नहीं नहीं ये चिराग में डाल देंगे तुझे नको 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 अरे वो इधर चिराग में रख नहीं 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 नको 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 ये चिराग में डाल देंगे उसको नहीं नहीं मेरे हाथों पे रख क्या कर छोड़ो जकड़ लिया ना तेरे पंजे डाले छोड़ो ये चिराग अरे खदे उसमें कैमरा मार पीछे छोड़ो मसाले एक से बढ़ के छोड़ो छोड़ो मत कर लगा उसका मत कर जा डालू कह रहे तो चिराग के अंदर हां कोई भी नहीं बसता मैं बोल मैं सोच रहा हूँ तुझे चिराग में डाल के तुझे नहीं देता हूँ किसी की नहीं मैं माफी मांगता हूँ चिराग में बैठ कर ना माफी माफी नहीं करता नहीं मुझे सुने ना आता चल मैं माफी मांगता छोड़ लो नहीं छोड़ो छोड़ो गलती नहीं गलती मैं चिराग में डाल के लेता नहीं नहीं जिसको जो भेजे उसको दे जो भेजे उसको दे नहीं मैं तुझे चिराग में डाल को ले लेता और चिराग में डाल के रख देता नहीं अभी तुझे काम लगाता हूँ फिर तुझे नहीं 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 बुरे दुश्मन है रे चल लेता तो पकड़ के चिराग के अंदर दुश्मन है मैं क्या करूं मैं भेज देता मैं इतना खत्म छोड़ कितने लोग मारा अभी तक कितने इंसानों को मारा नहीं नहीं इनके घर को भेजे मेरे को कितने को मारा हां मैं क्या अपने यार हां इनके घर से कितने मारा मेरा तुझे याद नहीं भाई साहब फिर चिराग में डालने की तैयारी कर रहा हूं छोड़ 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 ले लेता तो पता ना पड़ता पता ना पड़ता नहीं सुना क्या खबर डाल मैं सोच रहा हूँ इसको चिराग में डाल के ले लेना बोल दे तू हुकुम चिराग में डाल देना भाई इनको मार डाल अच्छी थी उसको मैं उसको देखा था चुप जान जमान बच्ची को मार दिया शादी से पहले आओ मैं भेजता है भेजता है दूसरी बच्ची की शादी के अंदर उसको मार के तैयारी कर रहे थे वाह और इसको देख तू देख अभी नहीं रहे दे छोड़ दे छोड़ नहीं छोड़ ये चिराग में डाल दूंगा मैं चिराग में डाल के खाना की सुख दे दूंगा नहीं डाला तेरे के पास में जाके रहना मुझे तो चिराग में डाल बाहर निकलना डाल दूं चिराग में पढ़ाई करूं चिराग की नहीं डाला मैं तेरी ताकत और से बोल तेरी ताकत बोलते नहीं डाला नहीं डाला डाल दूं नहीं मैं नहीं आ रहा मेरे को आता नहीं आ रहा चला जाओ चिराग के अंदर बैठ जाता नहीं 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 हो रहा मैं ताकत दे चिराग डाल के चिराग में डाल के तुझे मैं ताकत का नहीं जा रहा मैं आ रहा मेरी ताकत को जा रहा फिर देख कर दी तेरे हाथा पाँव को जकड़ लिया ना बहुत मजबूत था छोड़ ना डाल के बांध दे छोड़ 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 कैसा छोड़ जाना ले रहा हूँ लोगों की छोड़ आओ मैं भेज दे तो मैं आया मैं क्या होगा अब लेता जाना लेता फिर मैं चलो इसको पकड़ो इसको चिराग के अंदर ले लेंगे कैद कर बस बस ताकत ही कम कर दिया ताकत ही कम कर दिया ना हाँ दाता छोड़ मेरे हाथा छोड़ और कर दूं पूरी खत्म नहीं नहीं मेरा आता क्या करा वो आता क्या करा अम्मा ताकतर दी अल्लाह वालों की तो छोड़ 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 सलाम इलाही के सामने किसकी ताकत नहीं चलती छोड़ हाँ छोड़ मेरी ताकत कम छोड़ छोड़ वाह क्या है रे तू वाह हाँ क्या है हाँ मैं जा रहा नहीं तू मैं सोच रहा हूँ चिराग में चलो नहीं 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 चिराग दे देने का नहीं रे मैं क्या कर रहे तू ला लगा मैं मांग रहे तो चिराग में डाल के दो बाटल में डाल या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर ओ अम्मा अल्लाह
बाप बना रे तुम्हे वो अब्बा नहीं होता रे मेरे से बाप मेरे से नहीं होता रे अब्बा मैं क्या करना छोड़ रे छोड़ छोड़ रे माँ छोड़ मैं छोड़ इसको भी देख इसको भी कैसा करता देख अब तू ऐसा देख तू नीच लाया चलो नीच लाया जाता जाता उसके भाई के बाद जितने जाता मैं वहां जाता बोला छोड़ भाई को कह रहा तू बनता ला कहीं छोड़ मेरे हाथ में क्या करा इसको बोलते हैं बंदिश छोड़ दो बातें दो ऑप्शन कांच की बॉटल में जाना तू चिराग में जा दोनों में से देख बॉटल लो पीछे नहीं इसके घर में इसकी छोटी भाई बताता था मैं छोटी बहन को बताता था बंद बताता था वो बताता था लेकिन वो लोग बेचने थे मैं उसमें बैठ गया तो काम भी होने नहीं दिया आज नहीं तो ये लोग मस्त रहते दो ऑप्शन है नहीं जाता तू नहीं छोड़ नहीं देख नहीं के अंदर लालू बोलते नहीं जबरदस्ती इनके घर में रहे तो पूरा दे देता पूरा ले ले कितना है कितने किलो ले ले आए बहुत था वो कहीं में संदूक में मटके में है मटके में मटके में उतारा ना इन ये गाड़ी उतारा कितना उतारा उतारा ये उतारा नहीं पूछना तू मेरे पास पीछे आए साथ चलो चिराग में जो है वो नहीं देता नहीं देता मैं नहीं देता मैं इसकी जान लेके देता नहीं 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 इसको दे मैं पीट लेता दे देख इसकी मुंड देख तो मैं देता अब भी देता देख अब भी देता दे अब पीछे देख तू मैं वहां से बुला लिया अब्बा क्या है रे तू अब्बा बहुत याद करता था रे टीपू सुल्तान बोल के रोज रात दिन तेरा वीडियो देखता था मैं ला देखो भेजो नमाज पढ़ता था दुआ करता था इसको पंडे भी नहीं देता था इसको कुछ भी नहीं देता था इन बहुत अच्छा इन पढ़े लिख पढ़ता मैं कुछ भी पढ़ने गलीस गलीस ख्याल आता याद आया था तेरा याद रहता था छोड़ मैं दे दे मेरा तुम्हें तो नहीं देता देख देख मैं दे, कोई ऑप्शन दे नहीं देता मैं चिराग में जो बॉटल में जाओ बस जा घर से घर से जाओ बस जा मैं आज घर जा बहुत इंसानों को परेशान करा मैं सोचमत तक के बाटल में रहे समंदर के बीच में डाल देना तुम खाने में कुछ भी नहीं समझ देख देख सुन मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कांच की बाटल में डाल दूँ और समंदर के बीच में कैद खाने में जाकर फेंकने लगा दूँ डाल दूँ अरे चिराग में डाल के लोगों को दे दूँ दूसरा किसको बाहर पब्लिक बढ़िया किसको भी दे दो चिराग में डाल के नहीं मेयर को भेजे तो आया इसकी छोटी बहन को बताए सुनना तो भाई वो होने नहीं दिया ये साबिर को भी बताए इसकी गल के वहाँ बताए अच्छा इलाज कर नहीं नहीं कहे ले जाता था चुशाल तो जगह ले जाता था कहाँ भी नहीं आया कौन भी नहीं था तेरे जैसा लेकिन यहाँ ला लिए तू बहुत बड़ा है तेरे जैसा कोई नहीं है तेरे जैसा कोई नहीं है तेरे पर चलते लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं है बस क्या है रे तो पर मेरे हाथा छोड़ आला छोड़ हाथा छोड़ हाथा छोड़ बात तेरी ताकत अब्बा अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा छोड़ मुंडी काट को बाहर टांग देने का सोच रहा हूँ नहीं नहीं तू क्या कहना कितनी करना कितने पेमेंट आ रही दो तीन चार नहीं रहता मेरा वहाँ है घर में मेरे मैं नहीं जाता हूँ नहीं तो मैं तुझे नहीं जाता मैं नहीं जाता एक पकड़ा दे पकड़ा दे दे नहीं देते दे दे अबे चला दे तो पूरा मैं खून ना जबरो बाप अरे पूरा पी हाय ओ ज्यादा लेना देखो बगाले बगाले
शामिल हो जा, नहीं होता मेरा भाई, वो मेरा है, मैं रहता हूँ, मैं बात दिशा बनता, मैं देख, मैं देख, मैं बताया था इसकी भाई थी नहीं, जब इस बताया था दो थे, जब तुम दो थे, चल दो वक्त चल भी तो वक्त ले, मैं कुछ भी हाथ नहीं आ रहा तेरे हाथ, उसके हाथ से बड़ा अभी झगड़ा नहीं छोड़, मैं सुन छोड़ दो उसके हाथ, तेरा उसके हाथ सर, हां क्या था तो नहीं ना, कुछ भी नहीं है, तेरा तो दोनों आता, हां नहीं 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 नहीं, और चल भविष्यवाणी करने आती तुझे, हां हां इसका थोड़ा सुना है तो उसके बारे में बोल सकता, हां क्या मतलब, दो मिनट, हां हां और तू कर, हां नहीं दिख रहा रहता, मैं नहीं बोलता दिक्कत, तेरे भी बोलते इतना कमी नहीं, बाद मैं सोच रहा हूँ उसके हाथ काट के ले लूँगा, नहीं नहीं मैं तो हाथ नहीं मांगता, मैं क्रिकेट खेलना दिल बोल रहा है, नहीं हॉकी हॉकी खेलना दिल बोल रहा है, मैं माफी मांगता हूँ, जुलूम दे रहा, इंसानों को जहां दे रहा, लोग बच्चों को कुंवारे मार दे रहा, शादा मार दे रहा, उनके बहुत जुलूम दे रहा, आज के घर के धाम में ताबी ना डाले, गीता वाला तो बड़ी छोड़ रहे, जाएगा इज्जत से, मेरे फिर मेरे सवाल के जवाब दे, जाएगा इज्जत से, उल्टी जुलाब करके दवा बाहर निकाल के फेंको उसके अंदर जो अटके आई है, तो अभी यहाँ नहीं बाहर जाने के बाद ये जो है ये सारी दास्तान क्या है, क्या नहीं सामने बयान कर दिया मैंने, और दूसरी बात इससे पहले उसके आंग पे कभी कहीं हाजिर नहीं हुआ था, और कभी भी पेशेंट के आंग में आना क्रॉस बिठा पे जाना, जगह कम है तो मतलब सील को लग जाती दीवार, उसको थोड़ी मालूम पड़ता हूँ मैं, सब हो शरता पेशेंट जब उसको चले जाओ बोलते तो जाता हूँ निकलते हो, और दूसरी बात कि ये सब जो बातें हैं ये हरकतें हैं ये एक दूसरे से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना, अभी उसके बहन के आंग में आया था, अब बहन का निकालता हूँ भाई क्या, फैमिली पे छोड़े आ रहा सब बयान कर दिया मैंने, मगर ऐसे हरकतें नहीं करना, क्या बोलूं मैं तुम्हारे लोगों को, देखो किसी का कुछ जाता नहीं, तुम आज नहीं तो कल, कुल्लुन नफ्सुल जायकतुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है, तुम आज नहीं तो कल अपने रब के सामने जाएंगे, और अपने रब के सामने जब तुम जाएंगे तो क्या मुंह बताएंगे, खबर के अंदर शर्फ दीदार मुस्तफा तुम्हारे को उन्हें होगा, और दूसरी बात बहुत बुरी फिर लामहदूस जिंदगी तुमको अजाब में मुब्तला रहना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करो किसी भी, हाँ बहुत तुमको किसी ने परेशान कर दिया, तुम हक पे है, शरीयत तुमको इजाजत देती तो फिर उसे खिल्लियां उड़ा दो, उसके ऐसे भी उड़ाओ तो उसके धज्जियां उड़ा दो पूरे, तो उसकी तौबा कबूल नहीं होना, उसको ऐसी बताओ फिर कि जिसके, मगर बेगुनाह किसी को परेशान मत करो, बेगुनाह किसी को परेशान करेंगे तो पूरी बात है, गंदे अमल से भी परेशान होता है इंसान, और ऐसा जरूरी नहीं है कि पाक इल्म में वार नहीं है, हर चीज में डिफेंस रहेगी, पाक इल्म की वार तो इतना खतरनाक है जिसको अगर मार दी शरीयत ने इजाजत दी तो बाद में तो बच ही नहीं सकता, कुछ नहीं बचा सकते उसको, उन्हें अल्लाह के वलियों के दर पे जाएंगे तो उन्हें बोलते सबसे पहले भाग यहाँ से भाग, तो नेचुरली इसका मार पड़ा रहता है, अल्लाह के कलाम के जरिए से आजाब बोलते हो, आजाब नहीं गिरा तो निकल जाते, आजाब फिर कौन हटा सकता, सिर्फ अल्लाह, फिर गिड़ रहा अल्लाह के सामने, फिर वो कब राजी होता, फिर उनको कितने बार मौके दिया, बाद में आजाब में लेकर घर कर दिया, हलाक कर दिया, श्रद्धा नमरू वो ये सबके पड़ो आखिर फिर पता चलेगा, तो इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को यही कहता, मेरी आवाज जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही, सब बताता वो रिकॉर्ड में वीडियो जो गिरता यूट्यूब पे, तो कहाँ कहाँ तक वर्ल्ड में जा रही, तो तुम लोग सब सुन रहे मगर सुन के तुम अमल नहीं कर रहे, तो किसका क्या जा रहा, भैंस के सामने बीन बजा रहे वैसी बात हो जा रही, अमल करो अमल, तुम अगर अमल करेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी बन गई और तुम्हारी आखिरत भी बन गई, अगर तुम इबादत नहीं करेंगे ये सब चीज़ों से नहीं बचेंगे तो कैसा होगा, और तुम जाके ऐसे हरकतें करेंगे तो कैसा होगा, बहुत गलत बातें हैं ये, मेरे को कहने के लिए तुमको अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं तुमको बार बार क्या बयान करूँ, नमाज पढ़ो पांच वक्त की पाबंदी के साथ, माँ और बहने उम्मत की, ये ख्याल करो कि माँ और बहने उम्मत की मेन बुनियाद जड़े हैं, क्योंकि जितने भी मर्द मुजाहिद जितने भी इस गाजी मिल्लत जितने भी आलम इस्लाम के बड़े बड़े वली अल्लाह
हर कोई निकले पैगंबर, हर कोई दुनिया के अंदर लाया तशरीफ, तो ये सब पहला स्कूल इनके माँ का जो पेट रहता वो रूहानियत का स्कूल है, और माँ की गोद जो है वो दुनिया का स्कूल है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें हमल से है, जादूगर के पास जाके जादू आकर रही लोगों के ऊपर, तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा तो शैतान बन के दुनिया में पैदा होगा ना, और शैतान मुनाफिक और मुशरिकों के साथ शामिल होकर इस्लाम के अंदर बिगाड़ पैदा करेगा ना दुश्मनों के साथ मिलके। दूसरी बात क्या बोलते, तो बेगुनाह लोगों को, मजलूमों को, मासूमों को जुलूम देगा ना वो। तो इसलिए अगर तुम नेक है, तुम इबादत गुजार है, और तो तुम्हारे बच्चे पे ऐसा असर पड़ता अंदर से कि नेक सालहीन बच्चा पैदा होता, फिर ऐसा पैदा होता कि बच्चा अगर सूफी मूवमेंट में गया, अगर वलायत के अंदर, तो देखो कैसे कैसे बच्चे पैदा होते। देखो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बंदा नवाज गेस दराज रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सारे, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, साबिर पिया कलियर शरीफ, कैसे ये बच्चे, इनकी माओं ने जब हमल से पेट में जब बच्चा था माँ के, तो जब ही उनके माओं ने उससे पहले से इतनी इबादत करने वाले है कि वो इबादत की वजह से रूहानियत उनकी मजबूत हुई, और जब माँ के गोद में आए तो शरीयत पढ़ा दिया उन्होंने माओं ने उनके पूरे बच्चों को, तो जब वो बच्चे उतने बड़े पैमाने पे उतने बड़े नेक अल्लाह वाले बने। फिर ऐसे ऐसे मुस्लिम राजा लोग, ऐसे ऐसे बादशाह लोग निकले कि देखो गजा से निकला था बच्चा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, कैसे मस्जिद अक्सा और कैसे पूरे यूरोप कंट्री को जूते के नीचे झुका दिया था। तो माँ भी तो कैसे नेक होंगी, वजू से दूध पिलाने वाली, खाली तुमने तारीखों में तहरीरों में लिख दिए कि वजू से दूध पिलाना बच्चे को, नमाज पढ़ के दूध पिलाना, कोई उस पर अमल नहीं हो रहा। तुम अमल करेंगे तो तुम्हारे भी मिल्लत के, तुम्हारे भी अभी क्या बोलते हैं कौम की सख्त जरूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसा, सख्त जरूरत है तुम्हारे कौम के अंदर तारिक बिन फताह के जैसा, सख्त जरूरत है तुम्हारे कौम को ये सब नेक रहा है खालिद बिन वलीद, हजरत अली, उमर फारूक, उस्मान, अबू बकर, इनके जैसे नेक सालहीन, इबादत गुजार, ताकतवर, और अल्लाह के फजल करम से जंग के मैदान में डट के रहने वाले, और सारे मुनाफिक और मुशरिकों पे फतह पाने वाले वैसे बच्चे आज क्या आलम हो रहा, तुम्हारे हक की आवाज नहीं उठा सक रहे, तुम हक की आवाज उठाने गए तो भीखने मांग रहे किससे, हुकूमतों से, तुम अपना हक मांग रहे तो तुम्हारा दबा दिया जा रहा। तो तुम इसमें से अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा क्या वैल्यू हो रहा, क्यों तुम्हारे माँ बहने घर के अंदर सही नहीं है ना, माँ जा रही जादू करने पेट में, बच्चा बच्चा पैदा हो रहा, बाद में वो बच्चे का भी भविष्य गया शैतान का साथी बन के, माँ भी गई शैतान के साथी बन के, जब उन्हें शैतान की वो बन गई और इन्हें शैतान का बच्चा बन गया, गए खड्डे में, बदल गई पूरी क्या बोलते तुम्हारी तकदीर किस्मत। इसलिए माँ नेक तो बच्चे नेक, नस्ल नेक, माँ बहना गुनहगार तो उनकी पूरी नस्ल गुनहगार। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तारीख इस्लाम पढ़ो, तारीख तुम्हारे अल्लाह वालों की पढ़ो, तारीख तुम्हारे इस्लाम के जो मर्द मुजाहिदीन थे उनकी पढ़ो, उन्होंने हर वक्त हर जगह जगह भी करे तो हक पे करे, ऐसा भी करे कि जो जालिम बादशाह जुल्म देता था तो उसको चीर देते। तारिक बिन फता का जरा पढ़ो, यूरोप का जो बादशाह था उन्हें जुल्म दे रहा था, वो जो भी सम्राट कौन था, तो उन्होंने पढ़ो तारीख के अंदर, उन्होंने वजीर की बेटी को उठा के लेके चले गया, कितना जुल्म दे रहा था कि जिसके अंदर वजीर ने खत लिखा इनको, कोई तो काले हबशी एरिया के साइड में अफ्रीका के अंदर वहां गवर्नर थे, वो गवर्नर को खत आया तो उन्होंने तारिक बिन फतेह को 3,000 की टुकड़ी देके भेजे, 6,000 की, और तारिक बिन फतेह जब पहुंचे तो पूरी कश्तियां जला दिए थे, और बोले थे क्यों जला दिए कश्तियां, तो बोले उधर उनकी उनकी कितने लाख की फौज थी, जरा तुम पढ़ो तारीख के अंदर तुम चलेगा कि इनसे कई गुना ज्यादा फौज, कितने 1,25,000 या कितनी फौज थी उनकी यूरोप वालों की, और इन्हों सामने से 6,000 इन्होंने खत लिखे कि हम तो 6,000 शहीद हो जाएंगे मगर पीछे से तुम और फौज भेजो। क्यों आए थे इन्होंने वहां लड़ने के लिए, कि उन्हें जुलूम दे रहा था, उसके जात वालों को जुलूम दे रहा था, उसके जात वाले ने खत लिख के उनको बुलाया, उन्होंने इंसाफ करने को लड़े, दुनिया में तारीख गवाह है कि फिर पीछे से 6,000 की 7,000 और 6,000 वो टोटल मिला के 12,000 या कुछ तो भी टुकड़ी पड़ो, इनकी मुसलमान 12,000 जमा होकर उस पर जंग करे तो उसकी 1,25,000 1.5 लाख की टुकड़ी को चीर डाले, उन्होंने चीर के फतेह करके पूरा यूरोप हाथ में ले लिए थे। पढ़ो ना जरा तारीख, और किश्तियां कश्तियां पहले जला दिए थे ना वहां ये बोलकर कि हम रिटर्न भागेंगे नहीं, एक तो लड़ेंगे ना तो यहाँ मरेंगे, ये था मुसलमान, ये था इनका ईमान, किसके वास्ते गए उन्होंने, खुद के वास्ते गए, ईमान के वो उनके ही काफिर ने, उनके ही जात वाले ने, उनके ही गैर मुस्लिम ने बुलाया तो वहां उनकी मदद के वास्ते गए, और कैसी मदद करे फिर सब फतेह करके सब अदल व इंसाफ चलाए, बाद में बदमाश नस्लें आई है, बाद में लास्ट में हुकूमत गई अभी अभी के टाइम पे, पढ़ो तुमको सब पता चलेगा मैं क्या बोलूँ। तो वो वैसे नेक, उनकी माँ कितनी नेक होंगी, उनके माँ की गोद कितनी नेक होंगी, उनके माँ का पेट जो हमल था वो कितना नेक होंगा, इबादत गुजार बोल के वैसे बच्चे पैदा हो।
तो अल्लाह को ऐसी रूहानियत पावरफुल देके फिर दुनिया में पैदा करा था, नहीं तो तुम साले शैतान के साथिया बन गए सब, और तुम इबलीस के साथ जहन्नुम में जाने वाले हो। क्या बोलूं, कहीं ने सुना ज्यादा अल्लाह से कमल करने की तौर दे, मेरा काम था सामने ला के बताना, मैंने बता दिया, मेरे जमाने तो कुछ नहीं बोला, तुमने सब देख लिया सामने आपने। ये है अल्लाह के कलाम की ताकत। आखिर दाना दे, हाँ ये अभी हाजिर करे, कौन से गाँव से आए तुम, जोर से बोलो, ये अभी इनके आंग में हाजिर करे तो कितने लाख दिए, 5 लाख 10 लाख, जोर से बोलो, नहीं 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 बस ये हमारे सामने यहाँ हाजिर हुआ तो हमारे को कितने लाख दिए हाजिर करने के, 5 लाख दिए 10 लाख दिए। इबादत आ करो, इबादतों की रस्सिया मजबूती से थामो, ये सब बातें क्या बोलने, कहने सुनने से ज्यादा अंदर सबको मिलकर चलना नेक्स्ट।